बच्चों आपके अपने चैनल दिशा न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि महादेव ज्ञानम पूछे हुए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी टाइप के प्रश्न महादेव ज्ञानम कक्षा 6 के एडमिशन के लिए पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, हल करते हैं। आपको उसको हल करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है, 2/1 - 1/2 गुणे 3/3/2 गुणे 5/6 भागे 1/1/4। ठीक है बच्चों, चलिए हम करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 2/2 इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा 2×1 = 2। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या बच्चों, 1 है। क्या हो जाएगा, दोनों का लॉस 2 हो गया। तो इसका इसके साथ भाग देंगे इसमें, तो 2×2 दो आएगा, 2 का 1 में गुणा होगा कितना होगा 2 माइनस, अब इसमें 2 का भाग देंगे 2 में, तो 2×2 तो 1 आएगा, 1 के साथ होगा कितना गया 1 गुणे 3/, देखिए इसका 3/2 गुणे 5/6। देखिए अब इसको क्या पहले भागे ही लिखेंगे, भागे 4×4 = 5 जो खैर होता है, सही बटे के साथ बुरा होता है, होल पर जॉन से इसमें जुड़ जाता है, तो 4×4 = 5, 5/4। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। 2/, अब 2 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 गुणे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 3/, देखिए 3/2 गुणे 5/6 गुणे, देखिए यहाँ पे क्या था, भाग्य था। अब इसको क्या करेंगे, जो घर है इसको हम क्या कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, और जो अंश में और जो अंश है इसको हर में ले आएंगे। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा 4/, हर है तो ऊपर चला गया 4 हो गया, और जो अंश है वो चलाएगा नीचे। ठीक है चलिए आगे करते हैं। देखिए अब यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं, तो इसके बाद 1/1 होता है, और ऊपर का गुणा अंश का गुणा, ऊपर का गुणा ऊपर, और नीचे का गुणा नीचे, कितना हो जाएगा ये 2/2 / 1/1 गुणे, अब हम पहले देखिए 3/, पूरे का बटा, अब यहाँ देखिए अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, 3/5/4 क्या हो जाएगा 2/6/5, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 5 से कट जा रहा है 5×5 3 से काटिए 3×3 = 3, 3×6 तो क्या गया 2, अब देखिए 2×4 = 4 देखिए क्या बचा, यहाँ देखिए बचा क्या है ऊपर, 2×4 = 4/1 गुणे उधर कितना बचा 3, और पूरे नीचे सिर्फ कितना बचा है 1, कितना आ गया 4×3/1 = 1 बराबर कितना आ गया 12/1 मतलब कितना आ गया बच्चों 12। देखिए कौन सा, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। एक आयताकार पानी की टंकी 5 मीटर ऊंची, 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है, तो उसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक टंकी है जो 5 मीटर क्या है ऊंची है, और 3 मीटर लंबी है, और 2 मीटर चौड़ी है, तो उसमें पूछा कितना टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है। तो
तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो हम टंकी का क्या लिखा लेंगे, आयतन। तो आयताकार पानी की टंकी की लंबाई की। टंकी का आयताकार पानी की टंकी का आयतन दिया है 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 2 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है 3 मीटर। तो गुणा करिए बच्चों, 2 × 2 = 25, 2 × 5 = 25, 10 × 10 = 30, 30 हो गया मीटर। देखिए 1, 2, 3 बार तो मीटर बनाते 3। अब देखिए बच्चों, हमको जानना होगा कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 लीटर के। जो हमारा ऑप्शन है किसमें दिया है बच्चों, सबने लीटर में दिया है, सॉरी लीटर। तो हम इसको मीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो हम मीटर क्यूब के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1000 का गुणा करेंगे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 × 1000 लीटर, ठीक है बच्चों। तो इसमें इसका गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30000। तो आयताकार यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो जो टंकी है आयताकार उसमें कितना पानी आएगा, 30000 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।